जबरदस्त राइटर, महान डायरेक्टर, सुनहरे दौर के दिग्गज कलाकार रामानंद सागर। जन्म 29 दिसंबर सन 1917 लाहौर में हुआ। इनके जन्म का नाम रखा गया था चंद्रमौली चोपड़ा। इनके परदादा लाला शंकरदास चोपड़ा पेशावर से कश्मीर आ गए थे। रामानंद सागर साहब अपनी नानी के यहाँ गोद चले गए थे। हालांकि इनका शुरुआती नाम तो चंद्रमौली ही था, पर गोद लेने के बाद इनका नाम रामानंद रख दिया गया। रामानंद सागर ने बहुत पढ़ाई की। संस्कृत और पोएट्री में ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सन 1942। ये एक अखबार के एडिटर भी रहे जिसका नाम था डेली मिलाप। शुरू में ही इन्होंने लघु कथाएं, उपन्यास, कविताएं और नाटक लिखने शुरू कर दिए थे और तब ये अपना नाम रामानंद चोपड़ा रखते थे, कभी कभी रामानंद बेदी और कभी रामानंद कश्मीरी। सन 1942 में जब इन्हें टीबी की बीमारी हुई तब इन्होंने एक बड़ा ही जज्बाती कॉलम लिखा जिसका नाम था डायरी ऑफ अ टीबी पेशेंट। लाहौर के अदब ए मशरक मैगजीन में यह आर्टिकल छपा। ये बात भी गौर करने लायक है कि रामानंद सागर ने बड़े मुख्तलिफ काम किए, जैसे कि कभी चपरासी बने तो कभी ट्रक क्लीनर, कभी साबुन बेचने वाले तो कभी सुनार के यहाँ छोटे से कारीगर। दिन में काम करते थे और रात में पढ़ाई। इनकी मेहनत का नतीजा ही था कि ये गोल्ड मेडलिस्ट बने और एक जबरदस्त राइटर। सन 1932 में वो मोड़ आया जहाँ पे रामानंद सागर की फिल्म करियर की शुरुआत हुई। और करियर भी क्या शुरू हुआ, बतौर क्लैपर बॉय। ये एक मूक फिल्म थी, नाम था रेडर्स ऑफ द रेल रोड। और उसके बाद ये मुंबई आए। भारत के विभाजन के बाद इन्होंने मन बना लिया कि अब मुंबई ही इनका घर होगा। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हालांकि सन 1940 में ही रामानंद सागर बतौर असिस्टेंट स्टेज मैनेजर काम करते थे महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की पृथ्वी थिएटर्स में। दीवान जी, हमारे फैसले को कमजोर मत कीजिए, न्याय करते समय हम स्वयं न्याय के तराजू में तुल रहे हैं। पृथ्वीराज कपूर साहब के संरक्षण में इन्होंने कुछ नाटकों का निर्देशन भी किया। रामानंद सागर ने सिर्फ अपनी ही फिल्मों के लिए नहीं लिखा बल्कि राज कपूर साहब की सुपरहिट फिल्म बरसात की कहानी और स्क्रीन प्ले भी इन्हीं का था। क्या सोच रही? धीरे धीरे इन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, सागर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। जबरदस्त फिल्में इन्होंने हमें दी। 1960 में फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड मिला था फिल्म पैगाम के लिए, जिसे एसएस वासन साहब ने डायरेक्ट किया था। दिलीप कुमार, वैजयंती माला और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार इस फिल्म का हिस्सा थे। तेरा भाई तेरे पांव बढ़ता है रतन, रतन अभी भी बोल दे रतन, वक्त है, जैसा मेरे भाई बेगुनाह। सन 1968 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ले गए ये फिल्म आंखें के लिए, जिसमें धर्मेंद्र और माला सिन्हा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। कहीं चोट तो नहीं आई? जी, मोम का बना हुआ नहीं, जो जरा सी रगड़ से चोट आ जाए। रामानंद सागर एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे और 80 के दशक तक आते आते इन्होंने सोचा अब टेलीविजन पे कुछ कमाल किया जाए। और तब 25 जनवरी सन 1987 को ऐसा कमाल हुआ जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, टेलीविजन पे रामायण का टेलीकास्ट। जब टीवी पर रामायण देखी जाती तब सड़कें एकदम सुनसान हो जाती, सभी लोग चिपक कर टीवी के सामने बैठते। उसके बाद ढेर सारे हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल सीरियल्स रामानंद सागर ने हमें दिए, जैसे कृष्णा, लव कुश, विक्रम और बेताल और अलिफ लैला को कौन भूल सकता है। रामानंद सागर एक बड़े जज्बाती इंसान थे। जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तब इन्होंने हिंदी और उर्दू में एक किताब लिखी और इंसान मर गया, अंग्रेजी में जिसका टाइटल हुआ एंड ह्यूमैनिटी डाइड। सन 2000 में रामानंद सागर को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। इनकी फिल्मों की फहरिस्त बहुत लंबी है, चाहे वो आरजू हो, आंखें हो या फिर पैगाम, सभी फिल्मों में रामानंद सागर ने कमाल करके दिखाया। विधु विनोद चोपड़ा रामानंद सागर के छोटे भाई हैं। इनका पूरा परिवार फिल्म और टेलीविजन से ही जुड़ा और खूब तरक्की पाई। 12 दिसंबर सन 2005 वो घड़ी लेकर आया जब 87 साल की उम्र में रामानंद सागर ने आखिरी सांसें ली। इस कलाकार ने वो काम कर दिया जो इसे अमर बना गया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में रामानंद सागर का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।